थाने में पहुंचे हैं, क्या कोई पूछताछ हुई आपसे? तो मैं ना देखिए अभी तो मैं पहुंचाई हूँ और मैं धन्यवादी हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि मेरी ठूंजा साल की उम्र हो गई है और आज तक मेरे खिलाफ किसी भी पंचायत में, किसी भी थाने में, किसी भी कोर्ट में, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल केस आज तक मेरे मैं आप सब लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करना चाहूँगा और केंद्र सरकार मुख्यमंत्री झूठी गारंटियां दे के प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया और बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार देने के नाम पर ठगा गया। महिलाएं इंतजार कर रही हैं, दूसरा रक्षाबंधन भी चला गया, महिलाओं को 1500 रुपए नहीं मिला। 300 यूनिट बिजली के फ्री देने की बात करी थी, वो तो देने की दूर बात है, जो 125 मिलता था वो भी खत्म हो गया। इसलिए हर जगह झूठ बोला गया और मुख्यमंत्री जो हैं वो चंडीगढ़ भी जाते हैं और आज तक के इतिहास में जितने मुख्यमंत्री हुए चंडीगढ़ गए, हिमाचल भवन में सीएम सूट है वहाँ रुकते थे। डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब भी जाते हैं 5 स्टार में हयात में रुकते हैं या ताज में रुकते हैं और जब रुकते हैं तो कितनी इनकी कृपा दिली होती है अपने स्टाफ के ऊपर भी कि अपनी सिक्योरिटी को बोलते हैं कि भैया अब मैं भी मौज करूंगा, मजे में रहूंगा, आप भी जाके मजे करो, उनको भी दाएं बाएं कर देता हूँ। उसमें जब सिक्योरिटी इधर उधर हो जाती है तब कौन लोग मिलने के लिए आते हैं, कौन उन कमरों की पेमेंट करता है, कौन लॉजिंग का, कौन बोर्डिंग का खर्चा बियर करता है, कौन साथ में मित्र होते हैं और कौन उनके साथ रुकते हैं, ये भी इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरा सबसे बड़ा कीर्तिमान हिंदुस्तान में इन्होंने स्थापित किया कि हिंदुस्तान में बहुत से मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने जो है कई कार्यालय खोले, फैसले लिए, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया जिसकी मैं सिफारिश कर रहा हूँ कि इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। वो ये है कि इन्होंने हजारों इंस्टीट्यूशन जो है बंद कर दिए, ये इन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। आज प्रदेश का जो कर्मचारी है वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहा है, उनको हक नहीं मिल रहे, पूरे देश में डीए 50% सबको मिल गया है, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को डीए जो है वो 34% सर। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री बड़े दरियादिली हैं, इतने दरियादिली हैं कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं ये आंसू टपका रहे हैं कि भाई मेरे प्रदेश का जो खजाना है वो खाली है। और जब खजाना खाली होने की बात आती है और कोई मित्र उनके आंसुओं को पूछने के लिए रुमाल दे देता है तो उसको तुरंत जो है कैबिनेट रैंक जो है दे दिया जाता है। इतने कैबिनेट रैंक दे दिए हैं कि आज तक जितने मुख्यमंत्री हुए 2 SD से तीसरा कभी किसी ने नहीं लगाया, एक पॉलिटिकल एडवाइजर, एक मीडिया एडवाइजर, ज्यादा संख्या 4 है इनके, दिल्ली में एडवाइजर, दिल्ली में मीडिया कोऑर्डिनेटर्स, चंडीगढ़ में और हिमाचल प्रदेश में 20 से ज्यादा, उनके लिए 2.5 लाख रुपया सैलरी, उनके लिए दफ्तर, उनके लिए गाड़ी, उनके लिए बंगला, ये सब चीजें देने के लिए सरकार के पास पैसा है। परंतु महिलाओं को 1500 रुपया देने के लिए उनके पास पैसा है। नौजवानों के साथ जो है इन्होंने बड़े कीर्तिमान स्थापित किए कि 1 लाख नौकरियां देंगे, इन्होंने 2-4 नौकरियों के अलावा प्रदेश में किसी को नौकरी नहीं दी और जो जिन नौकरियों के लिए आवेदन भी गए थे वो भी इन्होंने जो किसी का रिजल्ट नहीं निकाला कीर्तिमान स्थापित किया और प्रदेश के जो नौजवान हैं उनके साथ धोखा हुआ। और इसके अलावा और कई कीर्तिमान है, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के जो बालक स्वरूपी युवराज हैं और उनके हिमाचल प्रदेश में जो सेनापति, एक शब्द भी संवेदना के नाम से उनके मुंह से कलकत्ता में इतना बड़ी दुर्घटना हुई और पूरे देश जो है, पूरे देश के डॉक्टर जो है सड़कों पे आए, सब लोगों ने उस बात का अफसोस मनाया पर इनके मुंह से एक भी शब्द जो हमने नहीं निकला। और कहते हैं कि हम जगह जगह मोहब्बत की दुकान खुलाते हैं, वो कैसी दुकान है मुझे तो समझ से परे। और दूसरी बात कि इन्होंने
खजाने की जो बात कर रहे हैं, मित्रों पे तो पूरा पैसा लुटाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की एक और बड़ी खासियत है, इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनके लिए कोई जो है गोल्ड मेडल जो है सरकार दे, केंद्र सरकार दे, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हो, उस सम्मेलन में इनको जो है नवाजा जाए, यहाँ पर प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस इनको नवाजे, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि प्रदेश में इससे पहले जयराम ठाकुर जी हुए, राजा वीरभद्र जी हुए, रोज पब्लिक से मिलते थे। इन्होंने एक दिन शुक्रवार कर दिया और शुक्रवार को भी कहते हैं कि या तो मेरी तबीयत खराब है या मैं दिल्ली जा रहा हूं। लोग 8 बजे बैठ जाते हैं, हम 2-2 बजे तक लोगों से नहीं मिलते। और सबसे बड़ी बात, बड़ी हैरानी की बात है कि इतना बड़ा कीर्तिमान कि हमीरपुर में 16 तारीख को आए, 2 बजे रेस्ट हाउस आए और 2 बजे से 2:30 बजे के लंच किया, जितने लोग खड़े थे किसी से नहीं मिले, और जाके IPH के रेस्ट हाउस में जाकर सो गए हैं और 3 बजे सोए, 7 बजे उठे और 7 से लेकर 9 बजे तक अधिकारियों के साथ बैठ गए। ये बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है, इसलिए मैं आप सबके माध्यम से इनकी तारीफ करता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं जो कर पाया वो उन्होंने किया, और इससे भी बड़ा कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया तो हिमाचल प्रदेश पर 65,000 करोड़ रुपया कर्जा 2022 तक कितने मुख्यमंत्री, कितने सरकारें हुई, कितने वर्षों में हुआ, इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया कि 1.5 वर्ष के अंदर अंदर इन्होंने 35,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया और एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूँ शिमला में आके, और उनके लिए सिफारिश करता हूँ कि केंद्र सरकार भी सोचे, कांग्रेस पार्टी भी सोचे और प्रदेश की कांग्रेस पार्टी भी सोचे, उनको बड़े किसी अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। अब आपके को प्रश्न है तो आप इस केस के बारे में देखिए, मेरा आधा जीवन जो है वो 5-स्टार होटल्स में रहते हुए हुआ। मैं वेल टू डू हूँ, साधन संपन्न हूँ, और 5-स्टार होटल्स के अलावा हम कई बार जो है, हजारों बार जो है वो हेलीकॉप्टर और फ्लाइट से हमने फ्लाई किया है। इसमें मैं कहीं हवाई जहाज में जा रहा हूँ, मैं किसी हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ, मैं 5-स्टार में जा रहा हूँ, रुक रहा हूँ। मुझे लगता है कि किसी सरकार का उसे कोई लेना देना नहीं, अगर किसी को लगता है तो इनकम टैक्स विभाग में शिकायत कर। सर, सरकार गिराने और खरीद फरोख्त की जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका, इस तरह की कोई मामले सामने आए? किसी से कहने से कुछ नहीं होता, स्थाई तरीक को वोटिंग हुई, हमारी अंदर आत्मा ने कहा, हमारी इच्छा नहीं थी कि बाहर के किसी व्यक्ति को वोट डालें, हमने नहीं डाला, और 28 स्थाई तरीक को हम विधानसभा में रहे, 28 को भी रहे, 28 के बाद इन्होंने हमें जो है विधानसभा से निष्कासित किया। तो हमने कौन सा एक ऐसा काम किया जिससे सरकार गिराने वाली बात की, इन्होंने तो हमें निष्कासित किया, हमें विधानसभा से निकाल दिया, हमने तो इनकी सरकार को गिराने, वोट डालने से कोई सरकार गिर जाती है क्या? तो ये तो इनके मन ग्रंथ, इन्होंने तो आरोप हमारे 15 करोड़ रुपए के भी लगाए, 15 रुपए तो साबित कर दें, 15 रुपए तो साबित करें भाई, किसने दिए किसने लिए। झूठी FIR दर्ज कराने से कुछ नहीं होगा, अगर ये कहते हैं कि झूठी FIR दर्ज करा के किसी ऐसे करके हम किसी को डराएंगे, तो डरने डरने वाला आजकल कोई नहीं, आजकल तो बच्चे नहीं डरते अपने घर में।